हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनी और बच्चों मैं हूँ आपकी बायोग्रू आज हम लोग करेंगे एनटीए का मॉक टेस्ट पेपर 18 और बच्चों हम लोग इस पेपर को आज अभी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 90 क्वेश्चंस अच्छा मैं एक इन, आप लोगों को इन्फॉमेशन देना चाहती हूँ मैंने एक पोल रखा हुआ है अपने चैनल पर दैट इज़ फॉर द फाइव मॉक टेस्ट पेपर बायोलॉजी से रिलेटेड है तो जो बच्चे नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मे बी उनको नहीं दिखाई दे रहा होगा वो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उस पोल पर वोट ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए उस अकॉर्डिंग वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ सो दैट इज़ एक्चुअली रियली वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी एग्जाम सो इसलिए विजिट ज़रूर करें उस पर एक बार और अपना वोट भी ज़रूर दें और आप ये भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप उसमें और कुछ चेंजेस चाहते हैं तो तो चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं हमारा आज पेपर 18 करना है इसको पहले डाउनलोड करते हैं यस yes, पेपर हमारा डाउनलोड हो रहा है एंड बच्चों आप लोगों का रिस्पॉन्स देख करके के आई रियली फील वेरी वेरी गुड और मुझे लग रहा है कि अब मैं आप लोगों को कितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कितने कम टाइम में प्रोवाइड कर सकूं ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो और जो मेरा मेन फोकस है वो आपका क्वेश्चंस पे ही है ताकि मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन हैं उनमें एक्सप्लेनेशन वाले दे सकूं और जो बिना एक्सप्लेनेशन के हैं उनमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स प्रोवाइड कर सकूं सो so, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो और आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी बताइएगा यस पेपर ओपन हो चुका है मैं सेटिंग चेंज कर दूँ इसकी यस ओके नाव बैक जा यस, यस yes, yes, हमारे सामने ये फिजिक्स का पेपर खुल के आ गया है ओके okay, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस अकर्स बाय पार्थेनोजेनेसिस बड़िंग, फ्रेगमेंटेशन स्पोर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स एंड स्पॉन्जेस आर हर्मोफोडाइड सेक्सेस मतलब इसमें सेपरेट नहीं होते हैं मेल फीमेल एक में ही होता है बट स्टिल परफॉर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट और लार्वा इसका जो होता है वो आपका फ्री स्विमिंग होता है और जबकि जो एडल्ट्स होते हैं वो ससाइल होते हैं यानी कि सब से फिक्स होते हैं एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पॉन्जेस में वो होता है बच्चों फ्रेगमेंटेशन के थ्रू तो यहां पे आपसे पूछ जो रहा है वो ए सेक्शन रिप्रोडक्शन के बारे में ही पूछ रहा है तो यहां पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एनजियो स्पर्म्स इज पार्शली इन सीटू इन एंथर एंड पार्शली एक्सीटू इन ऑन स्टिग्मा एंड फुली इन सीटू इन एंथर एंड फुली एक्सिटू ऑन स्टिग्मा एंड इन विट्रो ओनली तो यहाँ पे बच्चों जो मेल गैमेटोफाइट होता है या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलिन ग्रेन इनका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया एंजिया इट इज नोन एज द इन सीटू जर्मिनेशन एंड इन सिक्सटी परसेंट अराउंड अप्रॉक्स वैल्यू है दैट इज एनजियो स्पम्प्स पॉलिन ग्रेन इज लिबरेटेड एट द टू सेल्ड स्टेड एंड आफ्टर लैंडिंग ऑन स्टिग्मा सो इट अंडरगोज फर्दर डिजन टू फॉर्म टू मेल गैमिट्स सो यहाँ पे जर्मनेशन जो हो गया आपका पार्शली एक्ससी टू भी हो गया स्टिग्मा पर तो यहाँ पे आपके पास में जो ऑप्शन है येस ए ऑप्शन में आपका जो है पार्शली इनसी टू इन एंथर एंड पार्शली एक्सी टू ऑन स्टिगमा ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉलिकुलर फेज ऑफ मैं साइकिल So, primary follicles in the ovary grow to become a fully mature graphene follicle and simultaneously, and endometrium of uterus regenerates through proliferation. The corpus luteum secretes large amounts of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. Both LH and FSH attain a peak level about 10th day, leading to rupture of graphene follicle, and these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of adrenal gland. तो यहाँ आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द इंडोमैट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रो प्रोलीफरेशन करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न होमोसैपियंस एरोज ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन फिफ्टीन थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड ई ईयर्स है फाइव मिलियन ईयर्स एगो फिफ्टीन मिलियन ईयर्स एगो एंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू टेन थाउजेंड ईर्स एगो तो मॉडर्न जो था एरोज कहाँ पे हुआ था बच्चों अफ्रीका में ड्यूरिंग द आइस एज हुआ था और अराउंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू टेन थाउजेंड ईर्स एगो हुआ था और मूव टू द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इन टू वेरियस रेसेस सो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है The conditions primitive on Earth before the origin of life were low temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH4, NH3, etc. B point hai Aapko or Cheetah and humans share similarities in the pattern of bones of four limbs. And C option aapka in a collection of moths made in 1950s, that is before industrialization set in, it was observed that there were more dark winged moths on trees than white winged moths. एंड डी ऑप्शन जो है वो आपका सॉरी डी स्टेटमेंट जो है आपका वो है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सेलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डारवेनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड द नियंड्र थल मैन विद द ब्रेन साइज ऑफ फोर्टीन हंड्रेड सी सी लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू टेन थाउजेंड ई ईयर्स अगो विच सेट ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट तो यहाँ आपको फाइव स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो यहाँ पे आपके जो दो स्टेटमेंट है एक तो चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लेंस ये और जो डी स्टेटमेंट है आपका दैट इज़ ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू कीज कॉन्सेप्ट ऑफ डारवेनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन करेक्ट होगा बाकी जो आपका ए स्टेटमेंट कह रहा है कि द कंडीशंस प्रिमटिव ऑन अर्थ हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉम्स रिड्यूसिंग एटमोसफेयर कंटेनिंग एंड सी एच फोर एन एच थ्री सो दैट इज ऑल्सो लुक्स करेक्ट बट जो मोस्ट करेक्ट यहां पे आपका माना जाएगा दैट इज बी एंड डी सो बी ऑप्शन आपका यहां पे क्या होगा बच्चों करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेलेक्ट द इन करेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग एस कमिंग ने कॉमन नेम ऑफ कॉजिटिव एजेंट राउंड वॉर्म ऑर्गेन इन विच एडल्ट पैथोजन इज फाउंड कॉलन सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन फीवर एनीमिया ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है कंटामिनेटेड सॉइल वाटर एंड प्लांट्स तो एस्केरिस जो होती है या एस्करिस लुम्ब्रिक वर्डिस जिसका फुल फॉर्म होता है या कॉमन नेम जो कहा जाता है इसे इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी कहते हैं या राउंड वॉक के नाम से भी जानते हैं ये कॉज करती है एसकेरेसिस को और ये राउंड वॉम जो है वो इन्फेक्ट करता है किसी भी पर्सन की स्मॉल इंटेस्टाइन को इनमें जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है बच्चों वो कंजम्पशन होता है किसका सॉइल वाटर प्लांट्स इन सब का एंड कंटामिनेटेड विद द रिलीज ऑफ पैरासाइट एग्स अलॉन्ग विद द फीकस ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन और द साइन एंड सिम्टम्स आर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन फीवर एनीमिया ब्लॉकिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल न्यूमल ये सब इसके जो होते हैं ये सिम्टम्स या साइंस होते हैं तो यहां पे आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों, ऑर्गन इन विच पैथोजन इज फाउंड इस कॉलन ये जो है आपका इनकरेक्ट है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश शेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स समेरी कॉमन फ्रेश वॉटर फिशेज इंक्लूड कटला रोहू एंड कॉमन काप एंड हिल्सा कॉमन काप एंड पोमफ्रेट्स एंड कटला रोहू एंड सर्डाइन एंड हिल्सा सर्डाइंस माइक्रियल एंड पोम्फ्रेट्स तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट कटला रोहू एंड कॉमन काप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन बायोलिस्टिक मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर द माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद फॉरन डी एन ए आर बंबारडेड इन टू टारगेट सेल्स एट अ वेरी हाई विलोसिटी दीज माइक्रो पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ सिल्वर और टंगस्टन आर्सेनिक और सिल्वर गोल्ड और टंगस्टन या नन ऑफ दीज तो बायलिस्टिक जो आपकी गन्स होती हैं इनमें जो यूज़ किया जाता है जीन ट्रांसफर के लिए तो उसमें गोल्ड और टंगस्टन कोटेड पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं बच्चों और ये जनरली आपको टिश्यू टिश्यूकल्चर की लैब में देखने में आसानी से मिल भी सकती हैं सो so यहाँ पर जो होते हैं ये पार्टिकल्स होते हैं डायरेक्ट एंटर करते हैं सेल के अंदर और फिर वहाँ पर जा के ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो गोल्ड और टंगस्टन बीइंग लीस्ट रिएक्टिव आर यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस यस जो गोल्ड और टंगस्टन होते हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं इसी वजह से इनको ही यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर पर, प्रोसेस के लिए तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका द नंबर ऑफ डेथ एंड बर्थ इन द लास्ट स्टेज ऑफ सिगमोइड ग्रोथ कर्व ऑफ अ पॉपुलेशन विल बी सिमिलर टू लैक फेज अन विद मोर डेथ्स अनईक्वल विद लेस डेथ्स एंड इक्वल तो द लास्ट स्टेज ऑफ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज या फिर इसको एसिमटोट फेज भी कहते हैं तो एसिमटोट फेज कहते हैं इट इज ऑब्जर्व ऑन रीचिंग द कैरिंग कैपेसिटी वेयर बर्थ रेट बिकम्स इक्वल टू द वो डेथ रेट तो यहां पे आपका जो डी ऑप्शन होगा इक्वल वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इको सिस्टम देयर इज साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन लिविंग बिंग्स एंड एनवायरमेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शन इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट ऑल ऑफ दीज तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द इन करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग मस्का डोमेस्टिका डिप्टीरिया ऑर्डर दे रखा है आपको एंड डाइप्टेरा ऑर्डर दे रखा है एंड मैंगनी फेरा एंडिका और इसमें आपको इसकी फैमिली दे रखी है एनाकारडीए एंड सोलेनम मेलोगेना यह आपको यहाँ पे इसका दे रखा है पॉलीमोनियल्स ऑर्डर दे रखा है एंड पेंथरा टाइग्रिस ये आपको कैनेडी फैमिली दे रखी है तो यहाँ पे जो टाइगर आपको दे रखा है यानी कि जो पैंथेरा टाइग्रिस इज़ अ मेंबर ऑफ द फेलीडी फैमिली एंड कान्निवोरा इन्वॉल्वस फेलेडी एंड कैनेडी ओके मैंने आपको एक दिन बताया था भी कि कैट टाइप ऑर्गेनिज्म एंड डॉग टाइप ऑर्गेनिज्म इनमें आते हैं इसमें ओके तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा बिकॉज दैट इज अ इनकरेक्ट मैन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट वायरसेस वायरसेज देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम वायरसेस कंटेन इधर डी एन ए और आर एन ए वायस आर फैकल्टेटिव पैरासाइड वायरसेज आर रेडिली किल्ड बाई एंटीबायोटिक्स तो वायरसेस कंटेन इधर डी एन ए और आर एन ए आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वायरसेज जो होते हैं इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में और इनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो एबसेंट होती है दे आर एक्चुअली ऑब्लिगेट पैरासाइट एज दे कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड लिविंग होस्ट सेल एंड इधर डी एन ए और आर एन ए बट नेवर बोथ तो अभी आप लोग के सामने ही एक बहुत बड़ा वायरस चल रहा है दैट इज़ अ कोरोना वायरस और आई थिंक आपको इसके सारे सिम्टम्स भी पता हैं तो आपको आंसर इसका मिल गया होगा दैट वायरस कंटेन इधर डी एन ए और आर एन ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एपसेंट इन इकाइनोडर्मेटा मोलस्का, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज एकाइनोडर्मेटा। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ ऑन वेंट्रल साइड ओरल और लोअर एंड एनएस ऑन द डोर्सल साइड एबोरल या फिर आप अपर कह सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एक्सक्रिटरी सिस्टम जो होता है दैट इज एपसेंट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा इन द गि टेबल ईच फाइलम इज पेयर्ड विद ऑफ कैरेक्टर्स सेलेक्ट द ऑप्शन विद एंड इनकरेक्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द गिवन फाइला ऑफ एनिमल्स तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है एकाइनोडर्मेटा रेडूला और फीडिंग वाटर वस्कुलर सिस्टम एस के एलिमेंटीज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर फेरिंगस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड टेनोपेरा का आपको दे रखा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड यू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओनली तो आपको यहाँ बताना है कि ईच फाइलम इपेड विद अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स सेलेक्ट द ऑप्शन विद एन इनकरेक्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो पी में आपका जो है वो रेडुलाइज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इन द माउथ ऑफ मुलस्क दैट हेल्प्स इन फीडिंग और आपका जो आर है दैट इज कम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर नहीं एंड इसके अलावा जो आपको टी पे दे रखा है इन टेनोफेरा ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व दे आर हेमोफोडाइड्स विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो यहाँ पे आपका जो पी और टी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साइमोज इनफ्लोरिस मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लार एंड बी ऑप्शन है मेन एक्सेज ऑफ़ इन डेफिनिट ग्रोथ फ्लावर आर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर एंड बोथ ए एंड सी तो इन साइमोज मेन एक्सेस ऑफ डेफिनेट ग्रोथ एंड टर्मिनेट्स इन फ्लार और जो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं दे आर लेटरली होते लेटरल होते हैं एंड आर अरेंज इन बेसिपिटल मैनर सो दैट विच ओल्डर फ्लावर्स जो होते हैं वो टूवर्ड्स द एपेक्स चले जाते हैं और जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो बेस के टूवर्ड्स आते रहते हैं यहाँ बोथ ए एंड सी आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज अ ट्री ग्रोज वेरी ओल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्रीजेज मोर रैपिडली इन थिकनेस कॉर्टेक्स हर्ट फ्लोएम पेरिसाइकल तो यहाँ पे आपका जो हर्ट है वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि जैसे जैसे ट्री मेच्योर होता है सेकेंडरी ग्रोथ रिजल्ट मतलब जो आता है उसका वो आपकी मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम सो दिस सेकेंडरी जाइलम ग्रेजुअली बिकम्स नॉन फंक्शनल एंड फॉर्म्स हर्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका

द सिंपल एपीथिलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स एंड हाउ मनी ऑफ द अब स्टेटमेंट आर इन करेक्ट तो यहाँ पे जो आपके ए और सी स्टेटमेंट दे रखा है कॉटलेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन एटलस एंड एक्सेज ये इन करेक्ट है और दूसरा जो है आपका द सिंपल एपीथिलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ सेल ये इनकरेक्ट है तो यहाँ सी ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट होगा ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है हमारा विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज आर इन्वॉल्व इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइजोजोम राइबोजोम वैक्यूल राइबोजोम आर ई आर एस सी आर वैक्योल आर ई आर एस सी आर एंड एस सी आर राइबोजोम सेंट्रियोल तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज आर इन्वॉल्व इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसिस तो यहाँ पे आपका राइबोजोम हो गया और रफ इंडोप्लाजिक रेटिकुलम हो गया एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया क्योंकि तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है रफ वाले पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो राइबोसोम्स होते हैं वो आपके क्या सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं तो आई होप कि आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा हो कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिपिड्स आर इनसोलिबल इन वॉटर ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन लेसिथिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड एडिनोसिन एज अ न्यूक्लियोसाइड तो लेसिथीन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता है ये एक फॉस्फोलिपिड होता है एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। एडिशनली इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ सरफेक्टेंट तो यहाँ लेसिथिन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ म्यूसिस फर्स्ट आर कॉल्ड काइजमेटा क्रॉस ओवर या फिर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट तो जो बिगनिंग होती है डिप्लोटीन की दैट इज रिकोगोगनाइज बाई द डिजोल्यूशन ऑफ़ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्योंकि वहीं पे ही डिजोल्यूशन होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोजोम्स ऑफ द बाई वैलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइड ऑफ क्रॉस ओवर सो यहाँ पे जो आपके एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या कहा जाता है दैट इज कायजमेटा So, आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपारेशन मोर देइंग्रांसपारेशन क्रिएट ट्रांसपारेशन पुल फॉर एब्सॉर्बेशन एंड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड कूल्स लीव सर्फेस बाईपरेटिव कूलिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड गिव हाइट एंड साइड टू वॉटर कॉलम प्रेजेंट इन जाइलम तो आई थिंक आपको समझ में आ आओगेगा कि इनमें से जो डी वाला ऑप्शन है दैट इज़ नॉट द करेक्ट पर्पज फॉर द ट्रांसपायरेशन बाकी के सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैंगनीज टॉक्सिसिटी कॉजेज रिड्यूस अपटेक ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन इनिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम आयन येलो स्पॉट सराउंडिंग क्लोरोटिक वेन्स एंड बोथ ए एंड बी जो प्रोमिनंट सिम्टम होता है मैगनीज टॉक्सिसिटी to का तो वो अपेयरेंस होते हैं वहाँ पे ब्राउन स्पॉन्ट्स और किसके अराउंड में होते हैं सराउंडिंग होते हैं क्लोरोटिक वेन्स के तो मैंगनीज़ कम्पीट्स विद द आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एन्जाइम्स मैंगनीज ऑल्सो इनिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द शूट अपैक्ट्स दे फॉर एक्सेस ऑफ मैंगनीज में इनफैक्ट इंड्यूस डेफिशियंसीज ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सो यहाँ पे आपका जो बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा दैट इज़ करेक्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड बाय क्वांटम यील्ड क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड एबजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड फ्लोरिस तो यहाँ पे आपका एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टू एन टू मॉलिक्यूल इन ई टी एस इज वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द टू आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व को तो so, यहाँ पे आपको जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको बच्चों दैट इज एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी तो यहां पे आपका ये करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ मेड्यूला ऑबलांगाटा इन डाइजेशन वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया तो यहाँ पे आपका जो वॉमिटिंग है विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल डिस्क्रिप्शन फ्रॉड ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोराट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोराकिक वर्टिब्रा बी ऑप्शन है स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोराविटी एंड डिवाइड एट द लेवल ऑफ थर्ड थोराकिक वर्टिब्रा सी ऑप्शन है स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द नेक एंड डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड जो डी ऑप्शन है आपके पास है बच्चों दैट इज द कर्व्ड ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोराकिक कैविटी एंड डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा तो जो ट्रैकिया होता है बच्चों ये एक्चुअल में क्या होता है कि स्ट्रेट ट्यूब होता है जो एक्सटेंड कर रहा होता है अप तो टू द मिड थोराकिक कैविटी एंड डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोराकिक वर्टिब्रा इनटू टू ब्रांचेस अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई एंड ब्रांचिंग इन ट्रैकिया लीड्स टू द प्राइमरी ब्रांकियाई सेकेंडरी ब्रांकाई मिल जाता है फिर टर्शरी एंड देन आफ्टर ब्रांकीोज देन आफ्टर टर्मिनल ब्रांक्योस देन आफ्टर एल्वियुलाई एल्वियोलाई जो होते हैं आपके न्यूमरस वेरी थिन इररेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड टिया ब्रोंकाई एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी टाइप ब्रॉन्काई की बात हो रही है एंड इनिशियल आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टेजनस रिंग तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोराकिक लेवल ऑफ फिफ्थ थोराकि वर्टिब्रा ये यहाँ पे आपका मोस्ट सुटेबल होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन विच डिज़ीज़ डज़ अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर ड्यू टू इनफ ऑक्सीजन नॉट रीचिंग द हर्ट मसल कल भी ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था मैंने सॉल्व कराया था आपको तो ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर होता है बच्चों एंड दैट इज एंजीना या फिर आप कह सकते हैं एंजीना पैक्टोरिज और ये इन सफिशेंट ब्लड सप्लाई जब होती है हर्ट मसल्स में तो उसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन अपीयर होता है और ये शो क्या करता है इंडिकेट करता है ऑक्सीजन की अवेलेबलिटी में डिक्रीज को ओके okay? और किस में हर्ट मसल्स में तो इन केस ऑफ बोथ सेक्सेस किसी भी एज में हो सकता है लेकिन जो आपकी मिड एज होती है दैट इज आफ्टर द दीज उसमें ये चांसेस ज्यादा मिलते हैं ओके okay? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज एंजिना पैक्टोरिस कुछ बच्चों को एंजिना दिख गया होगा तो उससे भी वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसका आंसर ये होगा ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स फर्स्ट है आपका A fall in GFR can activate the JG cells to release renin. Second day apCA ADH can also affect the kidney function by its constrictory effects on blood vessels. Third day the proximity between the Henles loop and Vasa recta, as well as the countercurrent in them, help in maintaining and increasing osmolarity towards the outer medullary interstitium Fourth our lungs remove large amount of CO2 108 liters in a day. एंड फिफ्थ है आपका रिनल कैलकुली आर द स्टोन और इनसॉलिबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट लाइक ऑक्जिलेट्स विद इन द किडनी हाउ मैनी ऑफ दीज आर इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है तो so, यहाँ पे आपने पढ़ते टाइम ध्यान दिया होगा कि द प्रोक्मिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करेंट इन दैम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स द आउटर मेड्युलरी इंटस्टीशियम तो दैट इज़ इनकरेक्ट एक्चुअली और इसके अलावा जो बच्चों आपका फोर्थ uh, ऑप्शन है फोर्थ में आपको कह रहा है कि अवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ सीओ टू वन जीरो एट लीटर्स इन अ डे तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट फिफ्थ क्या है रीनल कैलकुली आर द स्टोन और इन्सोलबल मास ऑफ नहीं ये सही है तो यहाँ पे आपके जो है दो पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम अमाइकडेला हिपो कैंपस एंड इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिसफेयर एंड सेरिबेलम तो यहाँ पे जो इनर पार्ट्स होते हैं सेरेब्रल हेमिसफेयर्स एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक द एमाइकडेला हिपो कैम्पस एटसेट्रा फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथेलमस इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस जस्ट लाइक एक्साइटमेंट हो गया प्लेजर रेज फियर एंड मोटिवेशन तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये इनमें से किसका पार्ट नहीं है आपका जो अलग है लिंबिक सिस्टम का पार्ट नहीं है दैट इज सेरेबिलम सो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन पी टी एच तो यहाँ पर आप देखिए इंक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन ब्लड एंड डिक्रीजेज द रि ऑब्जॉर्बशन ऑफ कैल्शियम

तो ये जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलिमेंट वो होते हैं आपके मोलिबिडनम हो गया सल्फर हो गया एंड नाइट्रोजन ये नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं प्लांट्स में फ्लारिंग को अगर इनकी कंसनट्रेशन बच्चों कम होगी एक इनके नॉर्मल क्रिटिकल लेवल से तो ये फ्लारिंग की प्रोसेस क्या होगी आपकी स्लो हो जाएगी तो ये ऑप्शन आप देखिए कहाँ आपको मिलता है सल्फर नाइट्रोजन मोलिबिडनम ये डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच अपीयर्स एज अ ब्लाइंड सेक एंड हार्बर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सीकम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कॉलन एंड रैक्टम तो यहाँ पर आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो उसको तीन मेजर रीजन में डिवाइड किया गया है सीकम हो गया एक आपका दूसरा हो गया वर्मी फॉम अपेंडिक्स हो गया एंड थर्ड हो गया आपका जो मेन तीन अगर आप बात करते हैं तो वो हो गया आपका सीकम कोलन रेक्टम एक जो एक्स्ट्रा होता है दैट इज द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है और जो कि एक आपका वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो अराइज होता है सीकम से एंड इट अपियर लाइक अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है ओके okay, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच अपियर्स एज अ ब्लाइंड सेक एंड हार्बर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्योंकि ये जो आपका सीकम वाला पार्ट होता है बच्चों ये एक ब्लाइंड सेक की तरह बिहेव करता है और इसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो जैसे कि कौन से होते हैं इकोलाई e. होते हैं ठीक है और सीकम जाकर के किस में ओपन होता है कॉलन में ओपन होता है तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स विद रिस्पेक्टिव मैचेस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी फंक्शनल रेजिडल कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी तो यहाँ पे आपको मैच करना है तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन ओके तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आपका और आपका IRV. तो IRV प्लस आपका आ जाएगा आई आर वी तो आई आर वी प्लस आ जाएगा यानी कि इंस्पायरेटरी फर्स्ट पी का आपका आ जाएगा फोर्थ ओके देन आफ्टर आपका आएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आपका जो होगा बच्चों दैट इज टोटल वॉल्यूम एक तो हो जाएगा पर्सन का एंड जो वो एक्सपायर कर सके एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद ठीक है नॉर्मल इंस्पायरेशन हुआ और उसके बाद वो जितना एक्सपायर कर रहा है तो दैट इज़ एक्चुअली योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सो ये आपकी हो जाएगी बच्चों दैट इज टीवी एंड ईआरवी यानी कि टीवी प्लस ईआरवी ओके फिर है आपका फंक्शनल रेजिडअल कैपेसिटी तो फंक्शनल रेजिडअल कैपेसिटी यानी कि ये वो उस वॉल्यूम की बात कर रहा है जो आपके लंग्स में रह जाता है आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी कि पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन हुआ फिर उसके बाद में एक नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ उसके बाद में जो आपके लंग्स में रह जाता है दैट इज़ एक्चुअली फंक्शनल रेजिडल कैपेसिटी तो ये इक्वल होगा आपके ई प्लस आर के ओके ई आर वी प्लस आर वी आपका दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन पे तो आपका जो आर है उसका क्या हो गया फर्स्ट हो गया फिर बचता है आपका वाइटल कैपेसिटी तो वाइटल कैपैसिटी जो होती है ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर है दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्ज एक्सपायरेशन तो ये ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी हो जाएगा तो यहाँ आपके देखिए पी फोर्थ क्यू सेकेंड यस डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्प कर रहे हैं आप लोगों की पढ़ाई में आपके रिवीजन में आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको पेपर सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके एग्ज़ाम में क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें ऐसी याद रह जाती हैं जो हमने क्वेश्चन में कभी सॉल्व करी हुई होती हैं और हमें वो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाता है और हम उसको सॉल्व करके पूरे मार्क्स ले लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कुछ वीडियोस आपकी हेल्प उसमें ज़रूर करेंगे बच्चों बाकी अगर आपको लगता है कि इसको कुछ और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे किस लेवल तक वीडियो देखते हैं कहाँ तक वीडियो देखते हैं ओके और मैं यही चीज़ एंड में भी बोलूँगी जो एंड तक देखते हैं बच्चे वो एंड पे जा करके मुझे उस कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि उन्होंने वीडियो को एंड तक पूरा देखा है क्लियर गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज फंगल डिजीज वायरल डिजीज प्रियॉन डिजीज दैट इज अ बैक्टीरियल डिजीज और ये किसके थ्रू कॉज होती है जेंथोमोनास सिट्री के थ्रू होती है तो ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स

तो यहाँ पे जो आपका बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ आर्थोपोडा इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निजल्स ग्रैन्यूल्स आर लोकेटेड इन साइटॉन एंड एंड्राइड्स एंडराइड्स एंड एग्जॉन एग्जॉन एंड साइटॉन एग्जॉन एंड एग्जॉन टर्मिनल तो ये निजल ग्रैन्यूल जो होते हैं बच्चों ये साइटॉन्स एंड एंडराइड्स में प्रेजेंट होते हैं और इसमें यहाँ सेल जो आपके साइटॉन्स होते हैं या फिर जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है निजल ग्रैन्यूल्स तो प्रेजेंट होते ही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई पार्ट्स लेबल्ड ए टू ई इन द गिवन फिगर ओके तो देखिए बच्चों पहली चीज़ तो जो आपको यहाँ पर जो पार्ट्स हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं सबसे पहले जो ई वाला है आपका तो ई जो है ये सेंट्रल शीत है ठीक है और ई सेंट्रल शीत है और डी जो है आपका वो क्या है रेडियल स्पोक है बच्चों क्लियर और उसके बाद जो आपका ये सी है ये सेंट्रल में देखिए सेंट्रल शीत के अंदर है ना सबसे बीच में माइक्रोटिबुल्स है तो दैट इज सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स और उसके बाद जो आपका ये बी पार्ट जो दिखा रहा है दैट इज़ इंटर डब्लेट ब्रिज होता है ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है और जो आपका ए है बच्चों दैट इज़ पेरीफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल्स तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट आएगा दैट इज़ पेरीफेरल तो चारों में है ए में एंड इंटर ट्रिपलेट जो है इंटर ट्रिपलेट नहीं इंटर डब्लेट ब्रिज है यस तो इस हिसाब से आपका जो सी पे सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल्स हो गया डी पेरेड्रल स्पोक हो गए तो यहाँ पे आपका जो बच्चों देखिए सेंट्रल शीत हो गई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है और जो सी ऑप्शन है काफ़ी कुछ मैच कर रहा है बच्चों की यहाँ पर पे पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स जो हैं वो ए पे दोनों में हैं बी पे जो है आपका इंटर डब्लट ब्रिज जो है वो दोनों में है सी पे आपके सेंट्रल माइक्रो दोनों में हैं एंड जो आपका डी है उसमें रेडियल स्पोक है एंड ई e जो है आपका सेंट्रल शीत है तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा आप सी भी लगा सकते हैं ए भी लगा सकते हैं मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है हो सकता है आपको दिखाई दे कभी कभी ऐसा होता है सामने डिफरेंस नहीं नज़र में आता है तो मैं यहाँ पे सी को करेक्ट कर रही हूँ ओके सो मे बी ए भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही सेम है यहाँ पे ऑप्शन मुझे सेम दिख रहे हैं कि आपको कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे नो यस डिफरेंस मिल गया डिफरेंस बच्चों ए में आप देखिए सी का जो है वो सेंट्रल मैक्रोटिब्यू लिखा हुआ है और जो सी पे है वो सेंट्रल माइक्रो माइक्रोटिब्यूल है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यस yes, मिल गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट परसेंट ऑफ द टोटल सेलुलर मास 10 30 50 90 तो ये आपका 90 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइटोसिस द स्प्लिट एंड सेपरेट ड्यूरिंग मेटाफेज एनाफेज प्रोफेज एंड टीलोफेज तो मेटाफेज नहीं होगा एनाफेज जो होगा इस इसमें जो होते हैं ये सेंटर में स्प्लिट होते हैं क्रोमेटेड सेपरेट होते हैं तो यहाँ पे आपका एनाफेस करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट पी एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली नाइट्रेट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई पी तो सी यू मोलिबिडनम एंड मैग्नीशियम एंड मैंगनीज तो प्लांट्स ऑप्टेन जो इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी क्यों होगा ये बता रही हूँ मैं आपको कि प्लांट्स ऑप्टेन मोलिबिडनम इन द फॉर्म ऑफ मोलिबेट आयन मोलिबडेट आयन मतलब कि एम ओ टू

नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ 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 द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट रेनल टिब्यूल्स पीसीटी डीसीटी एंड लूप तो नहीं होता है ये करेक्ट आंसर होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं फोटो सिंथेसिस इज फिजिको केमिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस ए ऑप्शन होगा फिजिको केमिकल प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन मेल्स एफ एस एच स्टिमुलेट्स सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोगेट्री डॉ पे आपका जो सर्टोली सेल्स है बच्चो दैट इज करेक्ट ऑप्शन एयर क्यों ये करेक्ट ऑप्शन है बच्चों क्योंकि एफ एस एच एक्ट सेन द सर्टोलील्स एंड स्टमुलेट द सेक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ईल्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन दोबारा ये क्वेश्चन आया है सेम क्वेश्चन उठ करके आया है एंड क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे ही डिपेंड करेगा इस बार भी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेम इज डैश एंड इन मीजोफिल सेल्स इट रेंजेस बिटवीन डैश तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट का क्लोम में पूछ रहा है तो दैट इज वन एंड जो इसमें मीजोफिल सेल्स में रेंज करता है दैट इज ट्वेंटी टू फोर्टी के अराउंड होता है तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ़ द एयर साइज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन माइकोप्लाज्मा ऑस्ट्रिच एग्स ह्यूमन आर्बिस एंड बैक्टीरिया ओके तो यहाँ पे कह रहा है आपसे कि अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज ओके यानी कि सबसे पहले छोटा आना है फिर उससे बड़ा आना है तो सबसे छोटा तो हमारा माइक्रो होगा तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन तो चले गए सी और डी बचता है ए और बी ऑप्शन माइक्रो के बाद में बच्चों आपका बैक्टीरिया आएगा तो फोर्थ आएगा यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा फिर उसके बाद में आपका आरबीसीज एंड देन आफ्टर ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे बड़ा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें देखिए आपको स्मॉलेस्ट सेल भी दे रखी थी और लार्जेस्ट भी थी और स्मॉलेस्ट में आपकी थी माइको और लार्जेस्ट में आपका ऑस्ट्रिच एग दे रखा था ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री आइडेंटी आइडेंटीफाई पार्ट लेबल्ड ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ओके यहाँ पे आपको देखिए डायग्राम दे रखा है और ये कुछ साइनोबैक्टीरिया है जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन स्पेशलाइज सेल्स में और जो बच्चे पढ़ा होगा जिन्होंने क्योंकि मैंने पहले भी इसको कराया हुआ है तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये हेट्रोसिस्ट होता है बच्चों जो बी है ओके okay, और बाकी जो ए है वो आपकी शीत के बारे में बात कर रहा है ध्यान रखिएगा जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है दैट इज शीत और ये शीत कौन सी होती है म्यूसलिच शीत होती है और बाकी ये एना का डायग्राम है तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा दैट इज डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बायोलॉजिकल नेम दे रखा है मैंगी फेरा एंडिका ट्रिटिकम एस्टिवम एक मैंगो है दूसरा व्हीट है ओके फैमिली पूछ रहा है ऑर्डर पूछ रहा है क्लास पूछ रहा है तो ए है आपका जो मैंगनी फेरांडिका है वो आ जाएगा आपका एना कार्डीएसी में एंड जो इसका ऑर्डर हो जाएगा दैट इज़ सेपनी और जो ये इसका क्लास हो जाएगा दैट इज डाईकॉर्टलिडनी एंड जो आपका डी यानी कि ट्राई ट्रिटिकम एस्टिवम की फैमिली हो जाएगी दैट इज़ पोएसी एंड इसका ऑर्डर हो जाएगा पोएस एंड मोनोकॉटलिडन्स में आएगा तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए नहीं बी ऑप्शन में आपका होगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द पेयर क्वेश्चनोसोजोन पैसिवली गोन एंड सेल सेलबॉल एंड स्लाइम स्लाइमोल्ड से प्रोटेस्ट तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग रेप्टाइल्स क्लिडोइक एग एम्फीबियंस एपिडर्मल स्केल्स एंड मैमल्स कॉर्पस कैलोसम एंड एवीज न्यूमेटिक बोन्स तो आपका बी जो है वो इनकरेक्ट मिस है यानी कि मिसमैच है क्योंकि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विथ सेट ऑफ कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू द सेम फाइलम फर्स्ट ड्यू फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स एंड एफ्रीडिया एज द सेक्रेटरी एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स बी पे है आपका सीडोसिलोमेट्स एंड फ्लेम सेल्स एज द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स सी पे है आपका एसिलोमेट्स एंड सेल्स डी है आपका यू सिलोमेट्स एंड फ्लेम सेल्स एज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है बच्चों दैट इज फर्स्ट टू सिलोमेट्स एंड नेफ्रीडिया एज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट होगा और ये किसमें होते हैं बच्चों एनालिडा में होता है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 क्वेश्चंस को एक साथ बोलना दैट इज़ रियली अ वेरी टफ टास्क और इसको मैं स्किप नहीं कर सकती इसको मैं कट करके वेट भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जो आपका पेपर है वो लाइव चल रहा है तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो पेपर चला जाएगा तो फिर मैं आपको सॉल्व भी नहीं करा पाऊंगी उसको आपके सामने तो बच्चों आई थिंक मुझे एक लाइक तो आपको वीडियो पर मिलना चाहिए क्योंकि इसको बनाने में वाकई बहुत मेहनत लगती है लगातार आपको इतना सारा बोलना पड़ता है कभी ट्राई कीजिएगा घर पे बोल के पढ़ने की मजाक कर रही हूँ आपको करना नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट आज के क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी लेंदी लेंदी हैं इन अ फ्लॉरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी आर ट्रांसपोर्टेडेड आर वाटर मिनरल न्यूट्रिय ऑर्गेनिक न्यूट्रिय एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स सेकेंड है ओवर स्मॉल डिस्टेंसेज सब्सटेंस मूव बाई डिफ्यूजन एंड बाई साइटो स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड ओनली बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट थर्ड जो है ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स अंडर गो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम एंड जो आपका फोर्थ है फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेटर रीएक्सपोर्टेड एंड फिफ्थ है आपका फाइटो हार्मोस एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू मेंटेन एंड रेगुलेट द प्लांट फंक्शन तो आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके करेक्ट नहीं है वो आप पहला तो सेकंड स्टेटमेंट देखते ही समझ में आ गया था कि ओवर स्मॉल डिस्टेंसेज सब्सटेंस मूव बाई डिफ्यूजन एंड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड ओनली बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट तो एक तो ये स्टेटमेंट है बच्चों और दूसरा उसी के बाद देखिए ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स अंडर गो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम तो दो स्टेटमेंट ये यह जो यहाँ पे इनकरेक्ट है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Question number fifty-nine. Mark out the number of incorrect statements. Some essential elements can alter the osmotic potential of a cell. And nitrogen is required by the meristematic tissue and metabolically active cells. And magnesium two positive is needed by several respiratory enzymes. And molybdenum is essential for the water splitting reaction in photosynthesis, a reaction that leads to oxygen evolution. फिफ्थ है आपका सल्फर इज द मेन कॉन्स्टिटुएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स वाइटामिनस थायमिन बायोटिन को एनजाइमे एंड फेरेडॉक्सिन तो यहाँ पे देखिए आपका जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय द मेरेस्मेटिक टिश्यूज़ एंड द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स ओनली ये आपका जो है इनकरेक्ट है बच्चों और इसके अलावा जो आपका इनकरेक्ट है दैट इज़ द फोर्थ वाला पढ़िए कि मौलीबडनम के लिए है कि दैट इज असेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन नहीं ना फोटोलिसिस होती है वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन और उसके लिए आपका मैंगनीज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली और इसके अलावा कैल्शियम एंड क्लोरीन ठीक है तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज टू स्टेटमेंट आपके गलत हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर हिपैटिक पेरिटोनियम हिपैटिक लोब्यूल्स लिगामेंटम टेरीज एंड फैलसी फॉर्म लिगामेंट तो यहाँ पे हिपैटिक लोब्यूल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्टी क्वेश्चन बचे हैं द मोस्ट नोटेबल डिजीजेस कॉज्ड बाई फ्रायस आर डैश कॉमनली कॉल्ड डैश इन कैटल एंड इट एनालोग वेरियंट डैश इन ह्यूमन्स तो यहाँ पे जो आपका बच्चों एक्सप्लेनेशन होगा इसका दैट इज सर्टन इनफेक्ट्रियस डिजीजेज यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज की बात हो रही है वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन द एजेंट बॉज सिमिलर इन साइज टू द वायरस एंड दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रेन्स पहली चीज़ तो ये हो गया कि प्रेन्स के नए कहते हैं और द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाई प्रस आर बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इनसेफेलोपैथी तो बोवाइन स्पंजी फॉर्म इनसेफेलोपैथी आपको कहाँ पे दिख रहा है बी पे यस yes, आप देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको बी पे आपको क्या दिख रहा है दैट इज मैड कॉर डिजीज़ दे रखा है कॉमनली जिसको कहा जाता है ठीक है तो दैट इज कॉमनली कॉल्ड मैडकॉर डिजीज और ए पर आपके यहाँ आप बोवाइन स्पनजीफॉम इंसफेलोपैथी ठीक है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके आ रहे हैं बी और सी जिसमें सेम चल रहा है बाकी आपका जो लास्ट वाला है उससे क्लियर होगा कि कौन सा होगा एंड इन इट्स एनोलोग वेरियंट इज डैश तो ये आएगा आपका जैकअप डिजीज आ जाएगा ह्यूम्स के केस में ठीक है तो यहाँ पे आपका जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट अगेन जॉलस फिशेज हैव सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ गिल्सलेट्स ध्यान से सुनिएगा एक ही बार रीड करूंगी मैं रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हर्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल एंड क्लियोडिक एग्ज स्कॉर्डेट्स हैव अ सॉलिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड अनोटोकॉर्ड एंड यूरोडेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एस प्रोटोकॉर्डेट्स सी ऑप्शन समझ में आ गया होगा बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाट्स विद एडिबल रूट्स इंक्लूड टर्निप बनियन एस्पैरगस रेडिश कैरेट्स एंड रोफोरा कैरट टर्निप मेज एंड कैरेट रेडिश एंड स्वीट पोटैटो तो रूट्स की बात कर रहे हैं ना तो सारे ही मॉडिफाइड में आपके आ जाएंगे कैरेट रेडिशन स्वीट पोटैटो एडिबल हैं ये सारे ही तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्या मेज़ की रूट खाते हैं आप लोग नहीं ना राइजोपोरा एस्पैरगस बनियन नहीं ना तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स कम्युनिकेशन जंक्शंस आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड दे शो ब्रांचिंग पैटर्न स्टिमुलेशन रिसीव्ड बाय वन सेल इज पास टू नेबरिंग सेल्स एंड दे आर स्ट्रेटेड इन नेचर तो यहाँ भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों दैट इज कम्युनिकेशन जंक्शन आर इनबल इनवर्टिब्रल डिस्क ओके सो ये ऑप्शन इज करेक्ट हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट मेम्बर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली सोलेनेसी फैमिली के मेम्बर बताना है आपको जो सोलेनेसी फैमिली होती है दे आर एक्चुअली नाइट शेड और पोटैटो फैमिली आप कह सकते हैं और इनमें जो ऑर्डर होता है दैट इज सोलेल्स होता है और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अच्छा होता है तो ऑप्शंस क्या है आपके पास में बेलाडोना अश्वगंधा पिट्यूनिया दूरा एंडिगोफेरा टोमैटो ब्रिंजल चिलीज एंड सनहेम पोटैटो ब्रिंजल एंड ल्यूपिन तो यहाँ पे आपको पूरा सेट कह रहा है दैट इज द बेलाडोना अश्वगंधा एंड पिथ्यूनिया ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम ऑफ टेरोफाइड्स जिम्नोस्पम्प्स एनजियोपम्पस एनजियोस्पम्प्स एंड बोथ वन एंड टू तो एनजियोस्पम्प्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा जो कंपेनियन सेल्स होती हैं बच्चों उनका क्या काम होता है ये एक्चुअली में जो पाई जाती हैं फ्लॉरिंग प्लांट्स के फ्लोएम में पाई जाती हैं एंड ईच कंपेनियन सेल इज यूजली क्लोजली एसोसिएटेड विद अ सीव एलिमेंट और इनका फंक्शंस जो है वो अभी भी अनसर्टेन है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि यह रेगुलेट करती हैं एक्टिविटी दैट जिस सी एलिमेंट एंड टू टेक पार्ट इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन टू द सी वेलीमेंट ठीक है activity, element, अभी पूरी तरह से ये कन्फर्म नहीं है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्टिलाइजेशन इन कॉकरोच कॉकरोचेज इंटरनल एक्सटर्नल इन द वॉटर एक्सटर्नल इन द कोकून इंटरनल इन द कोकून तो दैट इज इंटरनल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वेसल्स आपने देखा कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं मेल से भी आ चुका है फीमेल से दो बार रिपीट हो चुका है और आज भी आया था ठीक वेसल्स डिफर फ्राम प्रैक्ट इन हैविंग इन बीग लिविंग प्रेजेंस ऑफ परफोरेशन प्लेट्स एट बोथ एंडस एंड ई न्यूक्लियटेड कंडीशन एंड ऑल ऑफ द एबव तो यहाँ पे बी जो है आपका करेक्ट होगा दैट इज प्रेजेंस ऑफ परफोरेशन प्लेट्स एट बोथ एंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन वॉड कुड बी द करेक्ट सीक्वेंस रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इन टू द सार्कोप्लाज रिलीज ऑफ एस्टलकोन एंड स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिल्मेंट्स ओवर ईच अदर एंड ब्रेक डाउन ऑफ ए टीपी टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है बच्चों पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है आपसे ठीक है तो करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है तो सबसे पहले जो होगा आपका रिलीज ऑफ एस्टलकोलिन होगा फिर उसके बाद में बच्चों आपका रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन होगा किसमें सार्कोप्लाज में एंड देन आफ्टर आपका आएगा ब्रेकडाउन ऑफ एटीबी टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज एंड देन आफ्टर आएगा स्लाइडिंग ऑफ एक्टिंग फिलामेंट्स ओवर ईच अदर तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवेंटी नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेटाफेज फर्स्ट बाई बेलेंट्स आर अरेन्ज एट इक्वेटर यूनिवेलेंट आर अरेजड एट इक्वेटर नॉन होमोलोग फॉर्म स्पेयर एंड स्पेंडल फाइबर्स आर अटैच एट स्क्रोमोमियर तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दैट इज बाई बट आर एट इक्वेटर करेक्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑर्गेनिजम डेवलप थ्रो पार्थेनोजेस देशी परसेंट सिमिलैरिटी टू फादर दे शो देशेंट सिमिलैरिटी टू मदर दे देश हंड्रेड परसेंट सिमिलैरिटी टू फादर एंड दे देश हंड्रेड परसेंट सिमिलैरिटी टू मदर तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा बच्चों दे शो आ हंड्रेड परसेंट सिमिलैरिटी टू मदर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉटीसोल्व मेंटेन्स कार्डियो वस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन एब्जॉर्ब्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन पी सी टी एंड एब्जॉर्शन ऑफ आयरन फ्रॉम गट तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका एनजीओटेंसिन सेकेंड विल परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो ऑप्शन है आपके पास में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हाइपर एनए्रीमिया एंड इंक्रीजिंग जीएफआर एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन इन यूरिन ठीक है यहाँ पे जो आपका एनजीओ टेंसेंस जो होता है सेकेंड वो परफॉर्म करता है दो मेन फंक्शन तो एनजीओ टेंसन सेकेंड इज़ अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एंड देन आफ्टर आप वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है यानी कि फिर ग्लो मैरोलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद में जी एफ आर को इंक्रीज कर देगा दूसरा क्या कर रहा है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में दैट एक्टिवेट करता है इसको रिलीज करता है एल्डोस्ट्रॉन को देन आफ्टर रीअब्जॉर्बन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द डिजिटल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल इसके बाद इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर इंक्रीजेस ठीक तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द ह्यूमन प्लेसेंटा डज नॉट सेक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एचसीजी एचपीएल एंड्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट है इनर लेयर ऑफ मेल गैमेटोफाइड इन स्पर्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्टाइड पॉलिमर ऑफ लिपिड एंड पॉलीमर ऑफ कारबोहाइड्रेट तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्मड ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेसी सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेवंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तो दैट इज द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज द करेक्ट ऑप्शन जो फर्स्ट मंथ होता है हर्ट इज फॉर्म लिसनिंग ऑफ हर्ट साउंड बाई स्टेथोस्कोप इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटर्स सेकंड में आपके लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म हो जाते हैं फिर उसके बाद में एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है आपके मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हो जाते हैं फॉर्म जैसे एक्सटर्नल जेनेटीलिया हो गया लिम्स हो गए फिफ्थ मंथ में आपका फर्स्ट मूवमेंट एंड अपियरेंस ऑफ हेयर एंड हेड होता है एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज़ कवर्ड विद फाइन हेयर्स आईलिट्स सेपरेट हो जाते हैं और आई लेशेज़ जो हैं वो आपके डेवलप हो जाते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बार बॉडी इज़ प्रेजेंट इन क्लिन फैल्टर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम नॉर्मल फीमेल डाउन सिंड्रोम इन फीमेल तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम जो है दैट इज करेक्ट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन एनी टू लिंक्ड जीन्स इज हायर इफ दे आर वेफ डिटरमाइंड बाई देर रिलेटिव डोमेंस द सेम एज इफ दे वर नॉट लिंकड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम ये आंसर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट है सहेली इज अ कॉन्ट्रोसेप्टिव ड्रग सहेली पे डेली क्वेश्चन आ रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट दैट इज अरल ड्रग दैट इज नॉन स्टोराइडल अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल शुरू के पेपर में आया था आई थिंक ये आपके सेवेंथ या एट्थ पेपर में था ये क्वेश्चन और वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है दैट इट्स अ वंस अ मंथ पिल एंड हाई कॉन्ट्रोसेप्टिव वैल्यू तो ये वंस इन अ वीक पिल होती है और इसका मतलब सी ऑप्शन जो आपका है. है आपका इनकरेक्ट है नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ गिवन बाई हर्ष एंड चोस एंड एंड एल्फ्रेड वेलेस तो यूरे मिलर यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक पोटेंशियल रिफर्स टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर गिवन कंडीशन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर नेचुरल कंडीशन इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन अंडर क्लाइमेटिक कंडीशन तो यहाँ ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा दैट इज़ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम conditions कोशिश करिएगा बच्चों जो ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके काफ़ी बड़े क्वेश्चन आज के पेपर में थे तो इनको कोशिश करिए कि आप पहली बार में ही इसको बहुत ही सीरियसली रीड आउट करें ऐसा ना हो कि आपको दो तीन बार पढ़ना पड़ रहा है तो ये आपका बहुत टाइम चला जाएगा अगर ऐसा होगा तो ठीक है और टाइम बचाना हमारे लिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्टर्स में रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरियंट जीन म्यूटेशन जेनेटिक रिकॉमिनेशन स्टेबिलाईजिंग नेचुरल सेलेक्शन इमिग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स तो ऑबियसली जीन म्यूटेशन होता है न्यू वेरिएशन कॉज करता है बहुत टाइप का म्यूटेशन होता है साइलेंट पॉइंट एंड बहुत टाइप के म्यूटेशन होते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन होता है तो आपका ये जो होता है एक नए टाइप का फॉर्मेशन कर देता है एक नया वेरिएशन बना देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूम ओके स्टेजेस बतानी है नियंड्रथल मैन क्रोमैगन मैन ऑस्ट्रेलोपिथे एंड होमो होमोहैबल होमो इरेक्टस एंड मॉडर्न ह्यूमन ओके जो सबसे पहले आपका आएगा दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेसिनस आ जाएंगे फिर उसके बाद में बच्चों आपका आएगा होमो एरेक्टिस आ जाएगा फिर उसके बाद में आएगा होमो इरेक्टस के बाद में आपका नहीं होमो एरेक्टस नहीं आएगा आपका उसके पहले होमो होमोहेबलिस आएगा यस yes, थर्ड के बाद में यानी कि आपको होमो होमोहैबलिस आना है फिर उसके बाद में होमो एरेटक्स आएगा फिर उसके बाद नियंडरथल आ जाएगा देन आफ्टर क्रोमैग्न आ जाएगा और फिर उसके बाद में मॉडर्न ह्यूमन आ जाएगा तो आपका स्टार्ट में किससे हो रहा है थर्ड हो गया फिर फोर्थ हो गया फिफ्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ दिख रहा है आपको येस yes, सी ऑप्शन में देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर फर्स्ट नियंडरथल सेकेंड क्रोमैगन एंड देन आफ्टर सिक्स आपका मॉडर्न ह्यूमन तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है आपका द फीमेल मॉस्किटो इज द वैक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस टाइफॉइड एंड पोलियो नो ब्लैग एंड रेबीज नो कॉमन कोल्ड एंड रिंग वॉर्म नो फियरसिस एंड मलेरिया येस दिस इज द करेक्ट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इको सिस्टम इज एन ओपन सिस्टम इको सिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इको सिस्टम एंड इन एन आर्टिफिशियल इको सिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिडायरेक्शनल तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है डेट इज ऑलवेज अपराइट और एनर्जी फ्लो जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर लेवल की तरफ चलता है ओके सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सक्सेशन इट इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्पिशीज इज स्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी विद टाइम इट इज अ ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास सक्सेशन प्रोसीड्स एंड फूड चेन रिलेशनशिप्स बिकम्स लेस कॉम्प्लेक्स एज सक्सेशन प्रोसीड्स तो डी ऑप्शन जो होगा बच्चों वो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोम्यून डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रॉप गाउट मिस्थीनिया ग्रेविस दोबारा आया है क्वेश्चन ऑस्टियोपोरिस तो मिस्थीनिया ग्रेविस जो होती है दैट इज अटोम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वो अफेक्टेड होता है और इसके सिम्टम्स होते हैं वीकनेस हो गया पैरालिसिस हो गया स्कल्टन मसल्स में फटीक हो गया ओके okay? सो so, इसी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट है आपका लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट एंड द प्लाज्मेट इज ऑटोनोमसली डिप्लीकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्राक्रोमोजोबल डी एन ए लाइगेज एनजाइम बिलोंग्स टू अ लार्जर क्लोज ऑफ एंजाइम कॉल न्यूक्स डी एन ए फ्रेगमेंट्स आर निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड ई कोलाई ऑलवेज हैजीन इनको रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सजेज एम्पीसिल एंड क्रोलफिनिकॉल तो आपका यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते टाइम था कि लाइगेज एनजाइम्स बिलोंग्स टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियजेस नहीं ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है उसके अलावा थर्ड सही था सॉरी थर्ड हाँ सही है डी एन ए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज होते हैं फोर्थ जो है वो आपका वापस इनकरेक्ट है तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है क्या बात है हर एक आंसर में दो ही स्टेटमेंट आपके जो है इनकरेक्ट है एट्टी नाइन क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट पेयर बीटी कॉटन जीन जीन फ्रॉम एग्रो बैक्टीरियम पहला ही ऑप्शन दिख गया कि ये इनकरेक्ट है बीटी कॉटन जीन्स जीन्स फ्रॉम एग्रो बैक्टीरियम होता है नो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन जिन बच्चों ने यहाँ तक देखा है वीडियो पूरे 90 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएं कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप गुड वेरी गुड या आपको जैसा भी लगा हो ये वीडियो आप उस तरह से बता सकते हैं मुझे और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी आप बता सकते हैं और बच्चों मुझे वोट जरूर करिएगा मैंने जो पोल क्रिएट किया हुआ है म, आपके मॉक टेस्ट पेपर्स को लेकर के है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा जो नए बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह से सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें और उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है सो गाइज चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं है, मैच दो कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड कॉलम फर्स्ट में है व्हीट कॉलीफ्लावर ब्रेसिका चिली एंड सेकेंड में है आपके पूसा शुभ्रा पूसा गौरव पूसा कोमल सोनालिका पूसा सदाबहार तो यहाँ पे आपका देखिए जो व्हीट है वो आपका सोनालिका से मैच करेगा ओके okay? तो फर्स्ट का फोर्थ हो गया फर्स्ट का फोर्थ आपके तीन ऑप्शन में दिख रहा है ए बी एंड सी में फिर उसके बाद जो आपका कॉलीफ्लावर है बच्चों वो कॉलीफ्लावर जो है वो पूसा शुभ्रा से मैच करेगा ओके okay? तो बी का फर्स्ट आपको दो में बचा आप ऑप्शन एंड सी ऑप्शन में बचा सी जो है आपका ब्रासिका ब्रैसिका जो आपका बच्चों मैच करेगा आपका पूसा गौरव से मैच करेगा तो यहाँ पे आपका सी का सेकंड तो सी का सेकंड ए और बी दोनों में हो गया यानी कि डी डिसाइड करेगा आंसर चिली तो चिली जो है आपका वो मैच करेगा पूसा सदाबहार से तो चिली का हो गया आपका फिफ्थ तो डी का फाइव आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया और इसी के साथ हमारा पूरा पेपर ये सॉल्व हो गया है आपको मैं डेली इसी तरह से पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेट यूनिट विद बायोमेनिया डोंट फॉगे टू प्रेस द लाइक बटन डोंट फॉगे टू सब्सक्राइब द चैनल Also, share with your friends as much as possible because it will help me a lot. So, guys, thank you for watching this one. Once again, stay tuned with Biomania and enjoy the knowledge. Bye bye.